Hey, what's up everyone, this is Officious and you're watching Officious Army. Guys, आ चुके हैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और guys, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं PUBG मोबाइल इंडिया से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें, जो कि guys होने वाला है रिलीज डेट के बारे में। जैसा कि guys आप लोग जानते हो कि कल है 2 दिसंबर, ठीक है, तो क्या कल ही हमें PUBG मोबाइल इंडिया देखने को मिलेगा? तो guys इसके बारे में भी आगे हम लोग बात करेंगे। और guys मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में बताया था कि 4G मोबाइल का प्री रजिस्टर ऑन हो चुका है, ठीक है, लेकिन guys अभी भी वो लो एंड डिवाइस पे प्री रजिस्टर नहीं हो रहा है। तो भाई उसके बारे में भी हम लोग आगे बात करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन भाई लोग उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई लाइक हो जाना चाहिए, ठीक है, किसी भी तरह से। और गाइज अगर आप लोग मेरी वीडियोस को देखते हो और भाई अगर आप लोग ऐसे ही चले जाते हो तो भाई कुछ तो यार शर्म कर लो, ठीक है भाई, सब्सक्राइब कर लो, हो जाना चाहिए, ठीक है सब्सक्राइब। और गाइज बहुत ही जल्दी हमें 11,000 कंप्लीट करने हैं, तो भाई हो जाना चाहिए जरूर से, ठीक है। और चलो गाइज वीडियो को बस शुरू करते हैं। तो गाइज जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता के रखा हुआ है कि 2 दिसंबर यानी कि कल गाइज पबजी कॉर्पोरेशन मर्ज हो जाएगा क्रैप्टन INC में, ठीक है। तो गाइज यहां पे मुझे लगता है कि कोई ना कोई बड़ी अनाउंसमेंट हमें जरूर से देखने को मिलेगा, क्योंकि गाइज 1 महीना हो जाएगा कोई भी अनाउंसमेंट करे, जो कि गाइज अभी पहले 1-2 अनाउंसमेंट एक साथ में आई थी, तो भाई 1 महीना हो जाएगा। और गाइज मुझे लगता है कि कल के दिन कोई ना कोई अनाउंसमेंट जरूर से करेगा पबजी कॉर्पोरेशन, या तो गाइज परसों तो जरूर से हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 3 तारीख को, क्योंकि गाइज उस जो अनाउंसमेंट रहेगी उसमें गाइज हो सकता है कि काफ़ी कुछ हमें बताया जाए और गाइज मर्ज के बारे में बताया जाएगा। और गाइज उसी अनाउंसमेंट में हो सकता है कि हमें यह भी बताया जाए कि इसका लॉन्च डेट यानी कि PUBG मोबाइल इंडिया का लॉन्च डेट के बारे में हो सकता है बताया जाए, या तो गाइज जितनी भी प्रोसेस हुई है। तो गाइज जैसा कि आप सभी लोग जानते हो यहाँ पे कोई ना कोई लीक्स के थ्रू ही हमें पता चला था यानी कि PUBG कॉर्पोरेशन क्या क्या प्रोसेस कर रहा है, कोई ना कोई लीक्स के थ्रू ही हमें पता चला था, ठीक है। और गाइज यहाँ पे जैसे कि हो गया माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के साथ पार्टनरशिप, और भी गाइज कुछ ना कुछ प्रोसेस हुई होंगी, ठीक है, जो कि गाइज अभी तक अनऑफिशियल है। तो गाइज यहाँ पे हो सकता है कि कल के दिन यानी कि गाइज जब 2 दिसंबर हो जाएगा तो भाई हो सकता है कि कोई ना कोई हमें अनाउंसमेंट देखने को मिल जाए जो कि गाइस ऑफिशियल रहेगा और गाइस उसी में सारी चीजें हमें बताई जाएंगी। और गाइस ये भी हो सकता है कि उस अनाउंसमेंट में हमें ये भी पता चल जाए PUBG मोबाइल इंडिया के लॉन्च डेट के बारे में यानी कि गाइस उसके प्ले स्टोर रिलीज के बारे में, ठीक है। तो देखो मेरे भाई लोग, अभी आप लोग कहोगे PUBG मोबाइल इंडिया को लाने में इतना ज़्यादा डिले क्यों हो रहा है, मतलब कि प्ले स्टोर पे क्यों नहीं लाया जा रहा, ठीक है। और प्ले स्टोर रिव्यू की बात करें तो गाइस यहाँ पे कल ही 7 डेज पूरे हो चुके हैं, ठीक है। तो देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि PUBG मोबाइल इंडिया है तो न्यू एप्लीकेशन, ठीक है, लेकिन गाइस पहले तो गाइस वो PUBG का ही है ना। तो देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जैसे कि गाइस यहाँ पे अभी कुछ और भी ऐप्स बैन किए गए थे, आप लोगों को पता होगा कुछ 48 या 50 ऐप्स से फिर से बैन किए गए थे, और गाइस में से कुछ तो चाइनीज ऐप्स थे, ठीक है, लेकिन गाइस कुछ ऐसे भी ऐप थे जो कि गाइस बिना परमिशन के प्ले स्टोर पे अवेलेबल थे, ठीक है। तो गाइस मेरे ख्याल से आप लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी कि गाइस यहाँ पे PUBG कॉर्पोरेशन कोई भी एक छोटा से छोटा रिस्क नहीं लेना चाहेगा PUBG मोबाइल इंडिया के लिए, क्योंकि गाइस अगर एक बार फिर से बैन हुआ PUBG मोबाइल इंडिया तो भाई इतना आप लोग समझ लो कि दोबारा से नहीं आने वाला, ठीक है। इसीलिए गाइस यहाँ पे इतनी ज्यादा देरी की जा रही है। और गाइस जब तक यहाँ पे मिटी यानी कि गाइस गवर्नमेंट से परमिशन नहीं होगा, उसके सारे के सारे डाउट क्लियर नहीं होंगे, तब तक गाइस यहाँ पे कोई ना कोई लॉन्च डेट ना देखने को मिलेगी, ना ही गाइस यहाँ पे प्ले स्टोर पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखो अभी आप लोग कहोगे भाई तूने तो बोला था इसका रिलीज डेट, तो भाई यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है कि 1 दिसंबर, और गाइस यहाँ पे कुछ आर्टिकल भी आ रहे हैं जो कि गाइस अभी आप लोगों को स्क्रीन पे दिखता होगा, ठीक है। तो गाइस इन्होंने भी यही बताया हुआ है कि गाइस यहाँ पे 1 दिसंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक यानी कि 5 तारीख तक हमें गेम देखने को मिल जाएगा, ठीक है, या तो गाइस कोई ना कोई न्यूज़ तो देखने के लिए मिली जाएगी यानी कि अनाउंसमेंट, ठीक है। तो गाइस इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब गाइस हम लोग अपने 4G मोबाइल इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं यानी कि 4G मोबाइल के बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइस जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि कल ही 4G मोबाइल का प्री रजिस्टर ऑन हो चुका है, ठीक है, और गाइस यहां पे मैं इसका रिलीज डेट भी आप लोगों को आगे बताऊंगा। तो गाइस यहां पे मैंने कल आप लोगों को बताया था कि लो एंड डिवाइस पे इसका वर्जन अवेलेबल नहीं था, ठीक है, आप लोगों का भी कमेंट आ रहा था, कुछ लोगों का 3GB का फोन है, 4GB का फोन है, उस पे अवेलेबल नहीं था। तो गाइस यहां पे मैं रात में कुछ अपने और भी फोन्स पे चेक कर रहा था, ठीक है, तो गाइस एक फोन पे मेरे हो गया और गाइस वो फोन था थोड़ा नया था, ठीक है, यानी कि गाइस उस फोन का जो एंड्रॉइड वर्जन था वो गाइस था यहां पे 10 यानी कि एंड्रॉइड 10 था, ठीक है। तो गाइस यहां पे एंड्रॉइड 10 का भी एक यहां पे सीन है कि अगर आप लोगों का फोन थोड़ा पुराना यानी कि एंड्रॉइड 9 है तो भाई वहां पे जो है कि अवेलेबल नहीं रहेगा, ठीक है, लेकिन गाइस इसका मैं कुछ और भी सॉल्यूशन ढूंढ रहा हूं, जैसे ही गाइस मुझे मिलता है मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन गाइस अगर आप लोगों का फोन
नहीं आए यानी कि एंड्रॉयड 10 आता है उसमें, या तो गाइस आप लोगों का जो सॉफ्टवेयर अपडेट आता है हर महीने मोबाइल का, हर महीने तो नहीं आता है, एक दो महीने पर आता है, तो भाई अगर वो अपडेट हो चुका है यानी कि एंड्रॉयड 10 का अपडेट आ चुका है तो भाई हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। अब गाइस हम लोग इसके रिलीज डेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे अगर आप लोग प्ले स्टोर का रूल्स अगर जानते होगे यानी कि उसको पढ़े होगे तो भाई वहाँ पे लिखा रहता है सिंपल से कि प्ले रजिस्टर जब भी किसी ऐप या गेम का लॉन्च यानी कि होता है, प्ले रजिस्टर ऑन हो जाता है तो उसको लॉन्च होने में 3 से 6 वीक्स लगते हैं, यानी कि 3 सप्ताह से 6 सप्ताह लग जाते हैं, यानी कि गाइस आप लोग समझ के चलो कि नए साल तक हमें फौजी मोबाइल ज़रूर से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरे भाई लोग आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग यार कमेंट बॉक्स में बताना, और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो भाई कर लो, आप ही लोगों का फ़ायदा है, और गाइस बेल आइकन कॉल पे जरूर से कर लेना, ठीक है, और जहां तक हो सके वहां तक शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।